दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल प्रभास सर्विसेज में। दोस्तों बिजनेस आइडिया की इस कड़ी में एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूँ, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अभी हम इस मसाला पैकिंग और टूथब्रश की पैकिंग करके हम अपने रोज़ की अर्निंग को, हम एक्स्ट्रा अर्निंग को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास दो ऑप्शन है, एक मसाला की पैकिंग और एक टूथब्रश की पैकिंग। तो पहले मैं मसाला पैकिंग की बात करूँगा। मसाला की पैकिंग करने के लिए आपको एक मसाला के लिए एक ब्लिस्टर की शीट चाहिए होती है, या ब्लिस्टर की मसाला पैकिंग की कटोरियाँ चाहिए होती है, और इसकी पैकिंग के लिए पेपर की शीट चाहिए होती है जिसे हम गत्ता बोलते हैं। अब ये दो तरीके की आती है, एक 5 रुपये की पैकिंग की होती है, एक 10 रुपये की पैकिंग की होती है। इसमें जो इसकी कटोरियाँ आती हैं, कटोरी मतलब चौकोर कटोरी होती है, जिसकी अलग अलग गहराई होती है। एक 7 mm की गहराई होती है और एक लगभग लगभग 14 से 15 mm की गहराई होती है, या 16 mm की गहराई होती है, तो इसके ऊपर की भी होती है, बट बस ये दो बहुत हैं। अब इसमें आप ब्लिस्टर ले सकते हैं, इनको हम ब्लिस्टर बोलते हैं, और ये मार्केट में आपके लगभग 140 रुपये से लेकर के 220 रुपये किलो तक उपलब्ध हैं। जो अगर सेकंड का आप माल लेते हैं तो 140 रुपये प्लस GST, और अगर फर्स्ट का माल लेते हैं तो लगभग 220 रुपये प्लस GST, या 220 रुपये में इंक्लूडिंग GST आपको इसका ब्लिस्टर मिल सकता है। इसकी जो पेपर शीट आती है वो पेपर शीट 2 रुपये से 3 रुपये के बीच में आती है, ठीक है। और इसकी डाई, इसकी स्पेशल डाई अलग होती है, जो कि 1000 रुपये से 2500 रुपये के बीच में रेंज में आती हैं। अब आपको अगर इन तीनों चीज़ की व्यवस्था हो जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको मशीन के साथ करें, आप इसे बिना मशीन के भी पैकिंग कर सकते हैं। अच्छा मैं बताऊं कि मसाला पैकिंग के लिए आपको ज़रूरत होती है, पहले तो इस बिज़नेस के लिए एक फूड लाइसेंस आपको लेना होता है, साथ में GST नंबर भी लेना होता है। बिना फूड लाइसेंस और GST नंबर के, या बिना फूड लाइसेंस के आप इस काम को नहीं कर सकते हैं। GST नंबर नहीं भी है तो भी कर सकते हैं, उस समय सिर्फ आप अपने लोकल स्टेट में करेंगे, और स्टेट के बाहर करना चाहते हैं तो GST नंबर कंपलसरी हो जाता है, बट फूड लाइसेंस जो है बहुत ज़रूरी है, बिना इसके आप नहीं कर सकते। अब मैं बात करूँगा कि मसाला पैकिंग में कौन सा मटेरियल सेल करने पर ज़्यादा सक्सेस है, तो मैं बताऊँ इसमें आप सबसे ज़्यादा इलायची, लौंग, ये दो आइटम ज़्यादा सेल कर सकते हैं, क्योंकि इनकी डिमांड मार्केट में ब्लिस्टर पैकिंग में ज़्यादा है। और जो दूसरे मटेरियल्स आते हैं, जो भी दूसरे आइटम हैं मसाले से जुड़े हुए, उनकी डिमांड उतनी नहीं है। तो मसाले की पैकिंग में आप इलायची और लौंग, इन दो को, और साथ में आप ड्राई फ्रूट्स में ले सकते हैं काजू और बादाम, इनकी भी पैकिंग करके साथ में सेल कर सकते हैं। अच्छा इन सब की पैकिंग की कॉस्टिंग आती है अप्रॉक्स 3.5 से 4 रुपये के आसपास, और बाज़ार में एक पीस की सेल जो होती है लगभग 6.5 रुपये से लेके 7 रुपये के बीच की है। अभी आपकी मार्केटिंग लेवल के ऊपर है कि आप किसको कितने रुपए में बेचते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे लगभग 12 पीस की शीट पे आपको लगभग कम से कम मिनिमम 8 रुपये तो मिल ही जाते हैं, और मैक्सिमम की लिमिट 20 रुपये तक की है। तो ये एक अच्छी अर्निंग का है काम है। अगर आप रोज़ की 200 शीट या 100 शीट भी बना करके आप बेच देते हैं, ठीक है, और जिसमें अगर आपको 10 रुपये भी मिलते हैं तो 1000 रुपये होते हैं, 50 शीट भी बिकती है तो भी 500 रुपये होते हैं। तो मसाले के इस पैकिंग बिजनेस के साथ आप अच्छी तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि इसको आप मशीन से पैकिंग करें। आप ये आइटम्स लेकर के, डाई, शीट और कटोरी लेकर के आप प्रेस से भी पैकिंग करके सेल कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ अभी प्रेस से पैक करके सेल करें, और डेफिनेटली क्या होगा, ये सक्सेस होगा। अब बात करते हैं दूसरा, ब्रश की। तो दोस्तों मार्केट के अंदर ब्रश के लिए तो अभी देखा जाए तो बहुत सारे ऑलरेडी पहले से ब्रांड हैं, जैसे ओरल बी है और कोलगेट है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो कि लोग सबसे ज़्यादा इसको प्रेफर करते हैं। तो बात आती है कि यार हम अपना अगर कोई ब्रश लेकर के आएंगे कहीं से, बना बनाया ब्रश खरीद करके उसको पैक करके सेल करेंगे, तो हम उसमें कौन सा, किस तरीके का यूज़ करें। तो मैं बता दूं कि अगर आपको ब्रश के बिज़नेस में उतरना है तो उसमें आप बच्चों के जो ब्रश के आइटम हैं उनको पैक करके सेल करिए, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, और बच्चों के आइटम में भी कोई ब्रांड नहीं है, तो इससे आपकी सेल वैल्यू
भी बढ़ेगी और इसकी पैकिंग भी बिल्कुल सेम जिस तरीके से मसाले की पैकिंग कर रहे हैं उसी तरीके से ब्रश की डाई आती है, इसका भी ब्लिस्टर आता है, इसकी भी शीट आती है। जैसे इनकी भी जो जो ब्रश आता है वो लगभग 2 से 2.5 रुपए की कॉस्ट का आपको ब्रश मिलता है, ठीक है, और शीट भी होगी वो होती है जो 2 से 3 रुपए की है, और ब्लिस्टर भी लगभग इसी रेंज का है जो बताया पिछले मैंने अभी बताया कि 140 रुपए से लेकर के 220 रुपए की बीच की रेंज का है। आप ले करके और प्रेस से पैकिंग करके, ज़रूरी नहीं कि आप मशीन ख़रीदें अगर आप बिगनर हैं, और जिनके पास मशीन है तो ऑलरेडी इसे कर सकते हैं। इसमें भी आपको लगभग कॉस्टिंग आती है 3.5 से 4 रुपए की कॉस्टिंग आती है, और मार्केट में ये माल 5 से 5 रुपए 6 रुपए 7 रुपए तक में हंस के बिकता है। बट सबसे ज़्यादा डिमांड है इसकी गाँव में बच्चों के आइटम की, इसलिए आप कोशिश करें कि जो बच्चों का जो आइटम है टूथब्रश का वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करें, और उसमें अच्छी अर्निंग भी है और वो माल आपका जल्दी बिक जाता है। तो इस तरीके से अब टूथब्रश का जो बिज़नेस है इसके लिए आपको अलग से कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ आपको GST का रजिस्ट्रेशन कराना होगा अगर आप अपने स्टेट के बाहर बिजनेस करना चाहते हैं। तो सिर्फ स्टेट लेवल पे करना चाहते हैं तो उद्योग आधार में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और बस यहाँ से आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। और तो ये दोनों बिज़नेस हो गए, अब इन दोनों के कंपेरिज़न की बात करें तो दोस्तों जो मसाला पैकिंग का ब्लिस्टर वाला जो पोर्शन है वो देखा गया है कि मार्केट में ज़्यादा हर जगह नहीं मिलता, उसका कारण ये है कि वो पैकिंग उतनी सक्सेस नहीं है, इसलिए आप उसमें खड़े मसाले रखें जैसे कि अभी बताया मैंने इलायची, क्योंकि वो बड़ा आइटम होता है, अगर ब्लिस्टर की पैकिंग बराबर नहीं भी हो पाई है थोड़ी बहुत छूट भी गई है तो आइटम बाहर गिरने वाला नहीं, ठीक है। और अगर आप महीन आइटम में रखते हैं जैसे कि उसके अंदर कुछ लोग अजवाइन बेचते हैं या सौंफ बेचते हैं तो ये अगर पैकिंग बराबर नहीं हो पाती तो मटेरियल लूज़ होकर के बाहर गिरने लगता है। तो ब्लिस्टर पैकिंग में ये जो आइटम है ज़्यादा सक्सेस नहीं है, मोटे आइटम जो हैं वो ज़्यादा सक्सेस हैं। इसलिए अगर आप किसी से ब्लिस्टर कटोरी ख़रीद भी रहे हैं तो आप जो 12 पीस की शीट की कटोरी आती है आप वो ना ख़रीदें, सिंगल सिंगल पीस की चौकोर कटोरी आती है आप वो ख़रीदें। अब उसके ख़रीदने में आपको फ़ायदा ये है क्योंकि आपकी जो डाई है उसमें वो कटोरियाँ प्रॉपर वे में एडजस्ट हो जाएंगी। अगर 12 शीट की पूरी एक पूरी 12 पीस की पूरी शीट आती है ब्लिस्टर की, अगर वो आप लेते हैं तो डाई में हो सकता है ना सेट हो, डाई में सेट भी हो जाए तो आपका जो पेपर है उसमें जो कटिंग के मार्क होते हैं तो वहाँ पर वो ना सेट हो, इसलिए अच्छा है कि आप कभी भी इसका काम करें तो इसमें जो कटोरी यूज़ करें वो सिंगल पीस की यूज़ करें। दोस्तों मैं अपने वीडियो के नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा कि आप जो ब्लिस्टर हैं जिसमें जो कटोरी सेपरेट कटोरी वाले हैं वो आप कहाँ से अच्छे रेट पे ख़रीद सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र का भी एड्रेस होगा उसमें, यूपी का भी होगा, दिल्ली का भी होगा, जो इस एरिया के लोग हैं यहाँ से वो आइटम ख़रीद सकते हैं और वो जिनाइन होगा और जो ब्लिस्टर कटोरी होगी उसमें किसी तरीके की टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मसाले के आइटम में जो ब्लिस्टर आता है वो उतना सक्सेस नहीं होता है जितना कि स्क्रबर का ब्लिस्टर होता है। इसलिए दोस्तों अगर आप मसाला का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप फूड का लाइसेंस ले लीजिए और GST नंबर इच्छा हो तो लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए, और डेली अच्छी अर्निंग कर सकते हैं इन दोनों आइटमों को एक साथ शुरू करके, क्योंकि एक दुकान में अगर आप जाते हैं तो सिर्फ एक आइटम लेके ना जाएं, 2 आइटम ले इसके साथ और भी आइटम ले सकते हैं, और डेली आप कम से कम 500 से ज़्यादा ज़्यादा कुछ भी लिमिट हो सकती है, वो आपकी लेवल के ऊपर है कि आपकी मार्केटिंग का नॉलेज कैसा है, उस हिसाब से कुछ भी हो सकता है, 1000 रुपये भी हो सकते हैं, 1500 रुपये भी हो सकते हैं और 2000 रुपये भी हो सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे ज़रूर लाइक करें। नमस्कार।